खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं न्यू गेट से त्रिपोलिया तक की, जयपुर के परकोटे के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कुच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और इसके अलावा अन्य नेता भी मौजूद हैं। लेकिन एक चीज कमाल की देखने को मिली, अभी जिन्होंने मास्क लगा रखा था उन्होंने मास्क मांगने की कोशिश की तो उनको नहीं दिया गया, और जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, रुमाल बांध रखा था, उनको मास्क दिया गया है। ये अपने आप में ठीक है, ये इसलिए ठीक है क्योंकि जिनको मास्क खरीदने में दिक्कत हो रही है उनको ये मास्क पहुंचने चाहिए, तब तो सही मायने में सही जरूरतमंद तक ये मास्क पहुंचेंगे। और यही यहां पर दिखाई दिया है, एक बड़ी मुहिम, बड़ी पहल, क्योंकि राजस्थान की आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ से ऊपर, सरकार मास्क बांट रही है, सामाजिक संगठन अलग से मास्क बांट रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुभाष गर्ग और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, सांगानेरी गेट से तस्वीरें हैं, वो भी मास्क वितरण के लिए पहुंचे हैं। और एक और इन तस्वीरों में खास बात है, इन तस्वीरों में खास बात यह है कि बड़े बड़े नेता सड़कों पर मास्क बांटने के लिए निकले हैं लेकिन लवाजमा नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर यह निर्देश दे दिए गए थे कि 5 से 7 लोग ही मास्क बांटने के लिए निकलेंगे और कोई लवाजमा नहीं होगा। और दोनों ही तस्वीरों में बाकायदा ये चीज दिखाई भी दे रही है, ये राजनीति में एक अच्छी शुचिता है जिसका असर आमजन के सहन पर भी पड़ेगा और उन लोगों पर भी पड़ेगा जो मास्क बांटने के चक्कर में एक भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं। जरूरतमंदों तक अगर ये मास्क पहुंच गए और उन मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो यकीन मानिए कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। 1 महीने का ये अभियान है जो चलेगा, इस दौरान बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इस 1 महीने के लिए आप खुद से ये वादा करेंगे कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे आप मास्क का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी परिस्थिति में मास्क को नहीं हटाएंगे। दूसरा, चाहे वो करीबियों से ही मिले आप 2 गज की दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि 1 महीने की दूरी आपकी जिंदगी भर की जिंदगी को आसान कर देगी। इसलिए 2 गज की दूरी आप 1 महीने के लिए संकल्प कर लीजिए कि उसको आप बनाकर रखेंगे, और अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो उसको भी दूर से ही नमस्ते कीजिए और कहिए कि 1 महीने के लिए आप दूरी बनाकर रखिए, ना हाथ मिलाएंगे ना नजदीक आएंगे। और तीसरा, जब भी आप बाहर निकल रहे हैं सैनिटाइजर को अपनी जेब में रखिए, अगर किसी वस्तु को आप छूते हैं तो फिर हाथों को सैनिटाइज कीजिए और इसको जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वैसे भी अक्सर हम चाहते हैं कि हाथ साफ हो तो फिर हाथ साफ करने में समस्या भी नहीं है। इन 3 मूल मंत्र को मान लीजिए कि 21वीं सदी में गांधी जी के उन 3 बंदरों की तरह देख लीजिए जो कहते थे कि ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो। अब सुन लीजिए, अब 3 बंदर कह रहे हैं आपको कि मुंह पर मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए और साथ में हाथों को सैनिटाइज कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें 2 अलग अलग जगहों की है। परकोटे के अंदर मास्क वितरण किया जा रहा है, एक तरफ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग हैं और दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा अभियान चलाया गया है और देखिए ये एक अच्छी बात है, इन तस्वीरों में वाकई में एक संदेश दिया गया है। अब इसको संजीदगी कहिए या फिर इस अभियान को सफल बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी कि जिनके पास मास्क नहीं सिर्फ उन्हीं को मास्क दिया जाएगा, जो मास्क पहले से लगा रहे हैं उनको मास्क नहीं दिया जाएगा। और इसी से इस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा और रघु शर्मा लगातार न्यू गेट से लेकर त्रिपोलिया तक लोगों को मास्क बांट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, लगातार आपकी सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, आज जनआंदोलन की शुरुआत। हमारी सरकार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को रात और दिन एक किए हुए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए, उसी की कड़ी में आज जन आंदोलन का आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है।
चिकित्सा मंत्री जी और हम सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जो लोग मास्क नहीं रख रहे हैं उनको मास्क दे रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं उनको समझाइश कर रहे हैं। और सरकार ये चाहती है कि एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण से संक्रमित नहीं हो, इसके लिए जन आंदोलन के रूप में लोगों को समझाया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में रहें, साबुन से हाथ धोएं। निश्चित रूप से इस संक्रमण से हम लोग उबर सकेंगे। देखिए, ये तो शिक्षा मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, लगातार उन्होंने कई अच्छे प्रयास किए हैं। राजस्थान में जो मृत्यु दर है वो बेहद कम है, तो इस वक्त चिकित्सा मंत्री जी से बात कर रहे हैं। मंत्री जी, आज नई आंदोलन की शुरुआत हुई, वो भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई की, किस तरह से? मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत आज गांधी जयंती के दिन की है। हमारे सरकार के मंत्री आज यही संदेश दे रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ हैं, हम लोग मिलके यही संदेश दे रहे हैं। हर व्यक्ति, राजस्थान के 7.5 करोड़ लोग चेहरे पे मास्क लगा के रखेंगे। हमें कोरोना को हराना है, इसके बढ़ते हुए संक्रमण की संख्या को रोकना है और राजस्थान के लोगों को बचाना है। इसीलिए आज इस अभियान में हम निकले हैं। एक एक आदमी जब तक इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, खुद में ये अनुशासन नहीं पैदा करेगा कि मुझे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, बार बार हाथ धोना है, समूह में एकत्रित नहीं होना है, ये पूरे राज्य में आंदोलन फैलेगा। और हम हर व्यक्ति को समझाएंगे कि वो मास्क लगाए और सावधानी रखे, अपने आप को बचाए, परिवार को भी बचाए। देखिए, लगातार शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री दोनों ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि बराबर वो मास्क लगाएं, और लगातार क्षेत्र में मास्क है वो यहाँ पर बांटे रहे। इसके पीछे एक ही मकसद है कि राजस्थान की जनता को कोरोना से सुरक्षित रखा जाए। जी, और वाकई में जिस तरीके से मास्क बांटे जा रहे हैं, जरा सोचिए, 1 करोड़ मास्क अगर जरूरतमंदों तक पहुंच गया, इसका मतलब ये कि हर घर में हर व्यक्ति तक मास्क पहुंच गया। और अगर उन मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल हो गया तो यह भी मान लीजिए कि राजस्थान में कोरोना खत्म हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण कड़ी और एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई है, और राजस्थान के लिए तस्वीरें इसलिए बेहद खास है क्योंकि देश में पहली बार कोई ऐसी सरकार जो कोरोना के खिलाफ प्रदेश भर का अभियान चला रही हो और खुद उसकी जिम्मेदारी उठा रही हो। खुद सरकार ये कह रही हो कि वो हर किसी को मास्क देगी। 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कई संगठन हैं, कई विभाग हैं जो खुद से सामने आए और उन्होंने भी अपने अपने तरीके से लक्ष्य रखे हैं। लगातार मास्क बांटे जा रहे हैं। रास्ते में जो भी बिना मास्क के दिखाई दे रहा है उनको मास्क वितरित किया जा रहा है, और जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मास्क नहीं दिया जा रहा। एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से, एक तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सांगानेरी गेट से बड़ी चौपड़ तक की, और दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यू गेट से त्रिपोलिया तक की। दो दो मंत्रियों ने जिम्मेदारी संभाली है। एक तरफ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और PCC चीफ गोविंद डोटासरा हैं, तो दूसरी तरफ चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और UDH मंत्री शांति धारीवाल हैं। इस अभियान का आप भी हिस्सा बनिए। देखिए, आपके भी आसपास अगर कोई दिखाई दे रहा है जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सबसे पहले उसको टोकिए। और कोई ऐसा आपको दिखाई दे रहा है जो कि मास्क का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो खरीद नहीं पा रहा, और अगर मुमकिन है तो आप उसको मास्क दे दीजिए, क्योंकि 10-15 रुपए में आप उसको मास्क दे देंगे और उससे उसकी जिंदगी के साथ कईयों से खतरा हट जाएगा। सभी मंत्री और मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री जो हैं मौके पर हैं और जनता में मास्क बांट रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और साथ में मंत्री हैं सुभाष गर्ग। सर, ये जो मास्क वितरण हम कर रहे हैं तो इसको लेकर ये जो गांधीवादी तरीके से समझाया जा रहा है लोगों को, समझाया जा रहा है क्योंकि इस बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि जिसने मास्क नहीं पहन रखा उस पर कोरोना वार करता है, और जिसने मास्क पहन रखा है वो उस पर कोरोना का शिकार नहीं हो सकता, वो कोरोना उस आदमी का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
एक बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है, विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर एक महीने तक देश की पूरी जनता अगर मास्क पहने तो कोरोना अपना आप खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके विस्तार को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन करने की घोषणा की है, उस आंदोलन के तहत ही आज हम लोग सब पूरा मंत्रिमंडल बाजार में जो है मास्क वितरण करने के लिए निकला है और 1 करोड़ नए जो है मास्क बना करके हम वितरण करने के की योजना बनाए। सर ये अपन आंदोलन करें जन गांधीवादी तरीके से और अपने जो निकाय के कार्मिक है उनको अपने पावर भी दिए कि जो मास्क नहीं पहनता है चालान करें। तो अगर इसके बाद भी लोगों की लापरवाही सामने आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं कि लोग लापरवाह हैं, तो लापरवाह लोगों के खिलाफ जो चालान है उसको बढ़ाएंगे सर? हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर। हम समझाइश करना चाहते हैं, हम जनता का सहयोग चाहते हैं, जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि इस आंदोलन को गति मिल सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना लापरवाह हो कि वो खुद भी जो है परेशानी में पड़ जाए और अपने परिवार को भी परेशानी में डाले, तो उसका इलाज फिर यही है कि ऐसे आदमियों के लिए सख्ती का कानून जो है वो अपना आप काम करेगा। तो चालान के लिए कि टारगेट अपन निकाय कार्मिकों को देंगे टारगेट रोज के? ऐसा नहीं कह सकते कि टारगेट दें हैं, लेकिन ये आदेश दे दिए गए हैं उनको कि इस बात के लिए सघन वो जो है अभियान चलाएं कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके लिए जो है उनका चालान बनाया जावे। कल सर 3 अक्टूबर को आपका प्रभारी जिला जयपुर है, इसमें कल क्या कार्यक्रम रखा है? नहीं, इसमें तो आज हो गया। अच्छा, अब तो दूसरे जिलों में कल हो रहा है सब जगह। तो ये सर पूरा महीने भर चलेगा 2 नवंबर तक। हमारे साथ मंत्री शांति धारीवाल थे और हमारे साथ जो है दूसरे मंत्री। देखिए, हम आपसे अपील करेंगे कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए और कम से कम 1 महीने मास्क का इस्तेमाल कीजिए और जो नहीं कर रहा है उसको टोकिए, उसको कहिए कि मास्क का इस्तेमाल आपको करना है। नमस्कार।